डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, NTA UGC NET ICT में नंबर सिस्टम कन्वर्जन से रिलेटेड हमने अभी तक 5 वीडियो बनाई हैं और उसमें हमने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें बताई हैं। और उसमें एक चीज़ और रहती है दोस्तों, आपने सिंपल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया, ये बहुत चीज़ें आपको पता चल गई है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर दिया हो, नेगेटिव डिजिट दी हो, तो उसको हम किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जैसे ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 20 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन पेपर आया था और इसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द बाइनरी इक्विलेंट ऑफ -23। ठीक है, ये देखिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है -23 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस में तो हमें करना आता है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि माइनस में इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम नेगेटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हो सकता है इसमें से आगे क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको नेट और GRF क्लियर करना है तो हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम नेगेटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको नेट और GRF चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और DI के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजिनेट है तो GRF है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ये, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कई चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी इसके अंदर, थोड़ी सी उल्टी चीज़ें होंगी जो हम आज तक करते आए हैं, थोड़ा सा उससे उल्टा होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दो एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँगा, दो क्वेश्चन, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव डेसिमल नंबर -18 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें, इसको किस तरह से हम -18 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं आपको चार स्टेप बताऊंगा, चार स्टेप में आपको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, सबसे पहले हम इसकी सिंपल वैल्यू निकालेंगे। देखिए जो 18 है, 18 की सिंपल वैल्यू निकालते हैं हम, ये हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने सीखा था दोस्तों सिंपल वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 में 18, यहाँ पे कैरी कितना रह गया हमारे पास, 0 रह गया। फिर 2 चौके 8, कैरी कितना रह गया, 1। फिर 2 दूनी 4, कैरी रह गया हमारे पास 0। फिर 2 एक कम 2, ठीक है, कैरी रह गया हमारे पास यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 रह गया, ये 1 पे गया है, 2 एक कम 2। अब देखिए ये जो 1 है, 1 आगे नहीं जा रहा, अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक इसको लिखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले आप जो 5 वीडियो बना रखी है कन्वर्जन से रिलेटेड, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएंगी, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए नंबर एक स्टेप में हमने 18 की सिंपल वैल्यू निकाल, 18 जो डेसिमल नंबर है इसको सिंपल कन्वर्ट कर लिया बाइनरी के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 10010। यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक हम लिखते हैं 10010, ये आ गया। अब स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें जो सिंपल वैल्यू मिली है उसमें टोटल 8 डिजिट पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे, ठीक है।
एट डिजिट पूरी करेंगे हम। अब देखिए एट डिजिट का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने कितने डिजिट है, ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है, और टोटल कितनी करनी है हमें, टोटल 8 डिजिट पूरी करनी है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे। तो स्टेप टू में देखिए दोस्तों, स्टेप टू में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जीरो, 3 ये 0 हमने लगा दी। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है, देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे। यहाँ तक 2 स्टेप आपको समझ में आए, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गए। चलिए स्टेप नंबर 3 करते हैं अब हम। इसके अंदर क्या है दोस्तों, अब जो वैल्यू हमें मिली है स्टेप टू में, जो वैल्यू मिली है टोटल 8 डिजिट पूरी करने पे, अब हमें क्या करना है, हम इसको उल्टा कर देंगे, जितनी भी टोटल डिजिट आई है हमारे पास 8 को उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने का मतलब क्या है, यानी 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे इनका। ये देखिए स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 2 में 1 0 0 1 0 था, इसमें एक्स्ट्रा जीरो लगा दी, 000 1 0 0 1 0, ये हमने 8 डिजिट पूरी कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब 8 डिजिट में ये जितने भी डिजिट हैं इनको हम उल्टा करेंगे। ये देखिए 0 का हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 1 का हमने 0 लिख दिया, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, ये देखिए ये हमने उल्टा लिख दिया इनको। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 भी आपको आ गया समझ में। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा टिपिकल है ये, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप आसानी से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, आराम से देखिए इसको। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो वैल्यू हमारे पास आई है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, इस ये जो वैल्यू आई ना अपने पास रेड में जो वैल्यू है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कि यहाँ पे जो ऐड करने का तरीका है ना, जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, वो तरीका इसमें नहीं चलेगा, यहाँ पे ऐड करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जब हम सिंपल 1 में 1 जोड़ते हैं, नॉर्मली 1 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों, हमारे पास 2 आता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 में 1 जोड़ने पे 0 आएगा। ठीक है, बाइनरी और डेसिमल नंबर में माइनस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जब 1 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है, सिंपल जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, लेकिन कंप्यूटर में जब ऐड करते हैं इस तरह से तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा 0 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो सिंपल, ये जो हम सिंपल करते हैं 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। चलिए ये समझ में आ गया आपको ऐड करने का तरीका। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो वैल्यू थी 1110101, इसमें 1 जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें 1 जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, अरे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, कैरी यहाँ पे 1 आ गया, हाँ से ले 1 आ गई हमारे पास, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना ही कैरी आया हमारे पास, तो 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 1110100, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, -18 का, 1110100, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और शायद आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है ना, कोई नहीं, आप दोबारा वीडियो देखना। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल करेंगे, उससे आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए अब हमारे पास है नेगेटिव डेसिमल नंबर -15 है, इसको हम किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी सिंपल वैल्यू निकालेंगे, स्टेप 1 क्या था दोस्तों हमारा, स्टेप 1 था सिंपल वैल्यू निकालना। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू निकालेंगे तो इसको वही करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 = 14, कैरी 1 रह गया, 2 × 3 = 6, कैरी 1 रह गया, 2 × 1 = 2, कैरी 1 रह गया। अब देखिए 1 ज़्यादा किसी पे नहीं जा रहा और नहीं डिवाइड हो रहा, तो
तो हमारा सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 की सिंपल वैल्यू आ जाएगी, और 1111 हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए स्टेप टू के अंदर हम क्या करते हैं कि उसकी टोटल 8 डिजिट को पूरा करते हैं, ठीक है, 8 डिजिट पूरा करते हैं ना। तो स्टेप एक में हमने सिंपल वैल्यू निकाले, स्टेप टू में इसकी टोटल 8 डिजिट पूरा करेंगे। तो ये हो गया 1111, और 8 डिजिट के लिए 4 एक्स्ट्रा 0 और लगा देंगे, 0001111, ये हमारे पास स्टेप टू आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टेप थ्री के अंदर क्या था हमारे पास, अब जो वैल्यू हमें मिली है टोटल 8 करने पे उसे हम उल्टा कर देंगे, यानी 1 को 0 और 0 को 1 कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पास स्टेप टू के अंदर आ गया था। स्टेप थ्री के अंदर ये जो वैल्यू आई है, ये डिजिट आई है, इनको हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, 1 को 0 कर दिया, 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, ये हमारी रेड वैल्यू आ गई दोस्तों उल्टा करने पे, ठीक है। अब स्टेप फोर में देखिए, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, स्टेप फोर पता चल गया आपको, उसमें हम प्लस 1 करेंगे, 1 उसके अंदर ऐड करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करने पे क्या आता है, अब जो वैल्यू हमारे पास आई है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। देखिए 1 जोड़ने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ना कि 2, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1111, और 0000 में 1 जोड़ते हैं, इसमें 1 जोड़ते तो 1 जमा में 0 1 आ गया, और अभी यहाँ पे कैरी वगैरह कुछ बचा ही नहीं, तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया है। और ये रहा हमारा आंसर, -15 का आंसर है 1111, 0001, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के लिए असाइनमेंट है, ये समझ लीजिए -23, ये है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर वैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 01001, इसका आंसर दिया हुआ है। आप सभी दोस्त ये क्वेश्चन करके देखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे हमें बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर 1 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर 2 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।